धीरे धीरे धीरे। बहुत ही घना जंगल है यहाँ पर, हमारी कैंपिंग होने वाली है भाई, गजब वाली। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो ये खुल गया जी हमारा किचन, आज पहाड़ों की वादियों में नहीं भाई, आज डीप फॉरेस्ट में खुला है। रामपुरी चाकू बोलते हैं इसे। ओए होए क्या धुआं आया यार। शिवाय कैसा बना? फर्स्ट क्लास। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है सुबह की सुनहरी धूप के साथ हिमाचल प्रदेश के बीर गांव से। भाई बहुत ही खूबसूरत गांव है। आखिरी वीडियो में आप लोगों ने देखा था कैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, शायद अभी स्टार्ट हो गई होगी। हाँ हो गई, दिख रहे हैं अभी आपको कैमरे में, नहीं दिखेंगे। तो भाई अभी केवल उठकर आए हैं, मस्त वाली नींद आई। और देखिए यहाँ पर खड़ी है अपनी लाडो, और ये गेस्ट हाउस है, इसका नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी ठीक रेट में मिल गया हमें सीजन के हिसाब से। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, आज की कैंपिंग लोकेशन देखने जाना है, दीपक भाई आने वाले हैं हमारे, और मैं तो अभी जैसा का जैसा था वैसा का वैसा ही हूँ, कोई रेडी नहीं हूँ। बच्चे चिक्की वगैरह सब नहा धोकर रेडी होने लगे हैं, और ये देखो हॉर्न आ गया भाई, ये आ गया भाई हिमाचली ओवरलैंडर का हॉर्न। यो गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग भाई, कैसा रहा? बढ़िया, मस्त नींद आई। चलो आ जाओ, चलते हैं। चलते भाई, चलिए जी चलिए भाई। बहुत खूबसूरत जगह रहते हो तुम तो यार, सच में जब इतने खुश खुश रहते हो। सच में बहुत फर्क पड़ता है, मैं तो सच में बोल रहा हूँ दोस्तों कि दीपक भाई मेरे लिए भी कोई जमीन अमीन इधर जगह देख लो। और सच में मैं एक से दो सालों के अंदर ऐसी कोई भी जगह है ना, शिफ्ट होना ही चाहता हूँ। अब पहाड़ों में बार बार भाग कर आना पॉसिबल नहीं, पहाड़वासी ही बन जाओ। सही बात है, यहीं पे घूमते रहो, यहीं पे घूमते रहो भाई। सच में यार बहुत प्यारी जगह है दोस्तों जहाँ पर दीपक भाई रहते हैं। बीर बिलिंग जगह का नाम है, बिलिंग मतलब अलग है, बीर जगह है, क्योरी विलेज है ना। चलिए जी एक ये ग्राउंड पर लेकर आए दीपक भाई, और पीछे का नज़ारा देखिए एक बार, बड़ा खुला खुला सा है। इतना खुला खुला ग्राउंड बहुत टाइम बाद देखने को मिला है, नहीं तो वैली वैली में कर रहे थे। तो क्या बोलते हो, धूप भी अच्छी है यहाँ पर? तो भाई आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, शानदार वाली कैंपिंग करने वाले हैं। हमारे दो बहुत स्पेशल मित्र भी आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो कारवा बढ़ता जाएगा। कम से कम 6-7 गाड़ियाँ होने वाली है आज ग्रुप कैंपिंग का, आज आएगा मजा। तो फाइनली हम आ चुके हैं जी लैंडिंग साइट पर। इधर देखिए यहाँ पर लैंड होते हैं पैराशूट्स वगैरह। शाम का नजारा तो भाई गजब ही था दीपक भाई वहाँ पे, और देखो वहाँ पे ऊपर से लैंड होते हैं भाई, टेक ऑफ होते हैं सॉरी। और दीपक भाई ने कल मेरा मतलब नॉलेज क्लियर करी है कि भाई ये एशिया की नंबर वन सबसे हाईएस्ट साइट है पैराग्लाइडिंग की, है ना। मैं सेकंड हाईएस्ट बोल रहा था भाई इतनी देर तक, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है ना। तो भाई दीपक भाई लेकर आए हैं घने जंगल के अंदर, और बोल रहा है डीप फॉरेस्ट कैंपिंग कराएंगे तुम्हारे को। ये एक तो ग्राउंड है ना, गजब यार। तो गाइस मैंने बोला था ना आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है। पीछे देखो घना जंगल है भाई, मतलब बीर में ही है लेकिन उसके आउटर में है, बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पर हमारी कैंपिंग होने वाली है भाई, गजब वाली। मैंने बोला भाई जानवर वगैरह का तो नहीं है, बोले वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार भालू देखने को मिला है। तो डर तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है, लेकिन यार भाई 5-6 गाड़ियाँ रहेगी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, जानवर वगैरह ऐसे परेशान करते नहीं है। तो दोस्तों मैंने मेरी जगह सेलेक्ट कर ली है भाई, वहीं पर लगाऊंगा मैं तो गाड़ी। ये देखिए शानदार चीज़ है, मतलब सुबह उठते ही अगर आपको सामने का वो व्यू दिखे ना, मैं कोशिश करूंगा इतने पेड़ों के बीच में से ड्रोन शॉट लेना, थोड़ा सा खतरनाक होगा इस जगह। ये देखिए अब यहाँ से क्या जंगल दिख रहा है भाई, और ये देखिए वहाँ पर बहुत दूर करीब 4-5 किलोमीटर दूर ये देखिए कोई मोनेस्ट्री भी है काफ़ी बड़ी। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंपिंग के लिए लोकेशन ही होती है, और ऐसे मित्र साथ में मिल जाए ना भाई, हमें तो नहीं पता होता। देखो वैसे रैंडमली जाते तो अलग बात होती है, लेकिन ऐसी जगह पर हम लोग अकेले आके नहीं कर सकते, ना ही मैं कभी रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। कम से कम 2-3 जनों का ग्रुप रहना चाहिए, क्योंकि पूरा चारों डीप फॉरेस्ट है, घना जंगल है, जानवरों का डर तो रहता है 100% रहता है। हालांकि आते नहीं है, और ऐसी कोई घटना अभी तक सामने आई नहीं है कि यार जानवरों ने हमला कर दिया वो कर दिया। जैसे वॉक पे आते ना, हाँ, तो कई बार भालू मिला है, भालू दिखा है। और रात को बिलिंग रोड से जब वापस आते हैं कैंपर वाले, हाँ हाँ, तो बीच में वो भी मिला है तेंदुआ। अभी तुम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, पर ये है कि यहाँ पे हमने कैंप बहुत बार किया। चलो तुम साथ में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम आग वाग जलाएंगे तो नहीं आते। तो चलिए दोस्तों कैंपिंग लोकेशन सेलेक्ट हो गई है, और दोनों कैंपिंग लोकेशन डीप फॉरेस्ट में घने जंगल में होने वाली है भाई। हमारे आगे के 2 या 3 वीडियो जो भी निकलते हैं वो आप लोगों से शेयर करेंगे, और बहुत ही स्पेशल इस ट्रिप का सबसे स्पेशल वीडियो यही पर होने वाला है। तो चलते हैं होटल, मैं तैयार होता हूँ, चिक्की वगैरह तैयार हो चुकी होगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे करीब 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है? ऑल सेट दोस्तों, तो सब कुछ रेडी है, इधर रतन फैमिली रेडी है, इधर शर्मा फैमिली रेडी है, और बच्चों को फुर्सत नहीं मिल रही भैया, इनको इनके नए दोस्त मिल गए। तुम्हारे को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं बेटा सबको, बाय बाय, बोलो थैंक यू, थैंक यू बोलो, इधर तो आ। तो चलिए जी आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं माता रानी के नाम से, बोलो श्री मनसा माता की जय।
बहुत टाइम बाद इतने जोश से जयकारा लगाया है। वैसे याद तो रोज ही करते हैं माता रानी को, क्योंकि इस बार हमारी रोड ट्रिप काफी कम हो रही है। आपने देखा होगा हम अलग अलग जगह एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोर तो नहीं, कैंपिंग के लिए शिकार कर रहे हैं भाई। और जहाँ पे हम ठहरे थे यही से आई थिंक आधा किलोमीटर नीचे दीपक भाई का घर है, तो उन्होंने इन्वाइट किया भाई, तो चलते हैं उनके पास। ये तो शुरू होने से पहले ही आ गया भाई इनका घर, तो पैदल ही आ जाते यहाँ पे। हाँ, गाड़ी देखना चाहिए, ये तो पैदल ही आ जाते, 2 सेकंड का रास्ता था। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं जी दीपक भाई के घर पे, अभी वो नहाने घुसे ही थे और मैं पहुंच गया। उसने बोला यार नहाने तो देते हैं मेरे को ढंग से, बोला चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर उनके वीडियोस में तो बहुत बार उनका घर देख लिया होगा आपने, और तो क्या बोले, बस वेट कर रहे हैं उनका, मिलते हैं करते हैं यहाँ से थोड़ी देर में और उसके बाद निकलते हैं साथ में। नमस्ते जी, क्या हालचाल? बस आपको उठाने लिया है हम। अरे बेबी कैसा है भाई? इसको मेरी शक्ल तो पसंद नहीं आनी, मुझे 100% है। बच्चे मुझे कम पसंद करते हैं। ओ बेबूड़ा ताऊ, ताऊ ताऊजी ताऊजी। उस समय तो और भी छोटी थी, 3 महीने पहले धर्मशाला इवेंट में तो लेते भी डर लगता था, तो बहुत ही छोटी सी थी। ताऊ को नमस्ते करो। तो भाई मैं चढ़ गया हूँ दीपक भाई के घर की छत पर, और छत से भाई जो नजारा है ना यार, सच में बड़ी खूबसूरत जगह रहते हैं यार। ये देखो आप पीछे की तरफ, ये देखो चारों ओर हरे भरे खेत ही खेत है, इनका भी खेत है पीछे ही। और यहाँ पर देखो कद्दू वद्दू लगा रखे हैं और सब्जियां वगैरह बनती है इसकी। ये सबसे छोटी ओवरलैंडर हमारे ग्रुप की, सबसे छोटी छुटंग की, इतनी सी। पहले चेरी थी, फिर नहीं सबसे पहले शिवाय था, फिर ये ऐड हुआ। हाँ अच्छा, मेरे को बोल रहा है कि मैं था लड्डू बादशाह, उसके बाद अब आ गई भाई, अब तुमसे उपाधि ली जाती है वापस। और ये हो गई भाई, क्या बात है भाई, गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े की पार्टी। और देखो हमारे स्पेशल शेफ कौन है, दीपक भाई पलट, ऑथेंटिक हिमाचली रसोई में हम बैठे हैं भाई। असली दहेज का माल अब निकला दोस्तों यहाँ पर। अच्छा इनको निकाल, मतलब ये थाली आती है सबसे पहले ये बोले दहेज की थाली है मेरा। तो यहाँ पर देखिए जी स्पेशल हमने खाई है, यहाँ पर अंकल ने बनाई है ना, दीपक भैया के पापा ने बनाई, मूली की और प्याज की चटनी है ना, मूली प्याज टमाटर। हाँ और यहाँ पर आ गया जी मिक्स राजमा वगैरह, और यहाँ पर चावल। आनंद आ गया भाई, आनंद। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। खुशी हो रही है, कल आना ना, आज सर्दी तेज है। ओके तो चलिए चलते हैं, वो जो लास्ट वाली लोकेशन फाइनल की थी ना हमने, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि भाई डीप फॉरेस्ट में हमारी होने वाली है कैंपिंग आज की धमाकेदार। अब वैसे तो मन नहीं कर रहा सच बात बोलूँ इनके घर से जाने का, दिन के बज चुके 3 या 2:30 बज चुके ऑलमोस्ट, और 5-7 किलोमीटर पे हमारी आज की लोकेशन है। तो निकलते हैं यहाँ से और करते हैं शाम का धमाका। आज दिन भर में एक ही वीडियो देंगे आपको भाई, आज 2 नहीं निकल पाएंगे। तैयार नहीं हुए? चलो बैठो गाड़ी में फटाफट, कल आऊंगी पक्का ना जी। तो चलिए जी बाय बाय कहते हैं दीपक भाई के घर को, यहाँ से गाड़ी टर्न हो जाएगी भाई। सामने खड़ी है जिमनी, सही लग रही है यार, आगे का बम्पर वम्पर चेंज करा रखा है भाई ने। और तो मौसम भी इतना शानदार हो गया, ठंडा एकदम, धूप जा चुकी है बिल्कुल, सुंदर सुंदर से ट्रेडिशनल स्टाइल के घर बन रखे हैं। दोस्तों सच में अगर आप मनाली जाते हो ना, उसको छोड़कर यहाँ पर आइए यार, अलग ही माहौल मिलेगा, मतलब आपको अलग ही माहौल। दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जमीन होगी, घास उगी हुई होगी, लेकिन घास नहीं है भाई, डीप में चाय की पत्तियों के बगान है। और इस साइड भी देखो, मतलब चाय भी उगती है भाई यहाँ पर। हालांकि पालनपुर वगैरह इधर काफी अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है, यहाँ का मुझे पता नहीं था, दीपक भाई ने बताया। इतने दिनों से हम पहाड़ों में वैलियों में कर रहे थे, आज पहाड़ प्लस जंगल दोनों चीजें आपको एक साथ दिखाएंगे भाई। ये देखो कितना घना जंगल होने वाला है। कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रिंस राणा। प्रिंस राणा जी, हाँ जी। तो भैया यहाँ पर भैया ने हमें पहचान लिया है, चैनल स्टार्टिंग था ना। हाँ देख रहा हूँ मैं आपको। अरे वाह क्या बात है, धीरे 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 धीरे। भाई बहुत ही खतरनाक है यार यहाँ का तो रास्ता। तो गाइस फाइनली उसी जगह पर सुबह मैंने गाड़ी लगा दी है जहाँ पर मैंने इमेजिन की थी, देखो आप, मतलब है ना जोरदार वाला, पूरा डीप फॉरेस्ट में आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो चिक्की जी मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। तो चिक्की शिवाय ने उस समय खाना नहीं खाया था, थोड़ा बहुत उसके लिए आई थी कुकु भाभी से लेके। और भाई यहाँ से उठते ही है ना नजारा देखो, हमारे रूफटॉप टेंट में से खुलते ही यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेके बताऊंगा, थोड़ी रिस्क तो लूंगा पेड़ों के बीच में से निकालने की, और यहाँ से रूफटॉप टेंट खुलेगा हमारा। पहाड़ों में तो खूब दिखा दी, मतलब ये भी पहाड़ है लेकिन डीप फॉरेस्ट के अंदर, अब दिखाएंगे आपको कैंपिंग, मजा आएगा। Thank you.
तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है आज की कैंपिंग लोकेशन पसंद आई होगी। तो सेटअप से स्टार्ट करते हैं भाई। डीप फॉरेस्ट कैंपिंग इस बार हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार व्यू है। सुबह हमारा मतलब टेंट से उठते ही जो सीन दिखेगा ना, कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा घर बैठे उसका वर्चुअल ट्रिप कराने का, टूर कराने का, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि आप हमारे ही साथ यहाँ पे ऐसे जंगल में कैंपिंग कर रहे हो भाई। पहाड़ों की वादियों में बहुत कैंपिंग कर ली, नदी किनारे बहुत कैंपिंग कर ली भाई। आज दीपक पहली बार घनघोर जंगल में कैंपिंग करेंगे। हाँ, दीपक भाई की कृपा से आज डीप फॉरेस्ट में भी कैंपिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनली रूफटॉप टेंट खोल लिया है। अभी एक ड्रोन शॉट लेने का मन हो रहा है, लेकिन मैं बहुत रिस्क उठाने वाला हूँ क्योंकि पेड़ों के बीच में से जाएगा। एफपीवी वाला तो है नहीं मेरे पास, सिंपल है, लेकिन दिखाऊंगा जरूर। तो तैयार हो जाइए एक ड्रोन शॉट के लिए। जी तो कैसे लगे ड्रोन शॉट? और लोकेशन देखी आपने क्यों चिकी? एक नंबर। मतलब ऐसी लोकेशन पे डीप फॉरेस्ट में पहाड़ों में पहली बार भाई हम कैंपिंग करने वाले हैं। हालांकि ग्रुप कैंपिंग ही है, लेकिन ग्रुप अब बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है सरफेस बहुत ही ज्यादा ढलान वाला, गाड़ियाँ एक साथ नहीं लग सकती है। तो दीपक भाई उनके मित्र आगे की तरफ है, इधर रतन फैमिली है थोड़ा सा आगे, और इधर हमारा है। तो मतलब ग्रुप में होते हुए भी ग्रुप में नहीं है इस बार हम। तो रात को साथ में एंजॉय करेंगे। बाकी तो क्या है, गाड़ी को बैलेंस रखना जरूरी होता है दोस्तों। एक बार वापस नजारा देख लो। हालांकि सनसेट होने वाला है, लेकिन आज बादल है और मौसम भी खराब है। हो गया दोस्तों सेटअप। करीब 20-25 मिनट लगते हैं हम लोगों को इस चीज में। तो क्या खिलाने वाले हो ऐसी स्पेशल जगह? क्या खाओगे आप? मेरी फेवरेट बनाते हैं। वैसे तो आपकी सारी चीजें हमारी फेवरेट ही है। साउथ इंडियन खाएंगे। साउथ इंडियन बनाएगी? क्या बनाएगी? इडली सांभर बनाते। लौकी तो है ही नहीं। है ना? कब ली? ली थी मैंने मंडी से। देख रहे हो? तो चिक्की जी, बच्चों को अंदर बिठाओ, सर्दी बहुत तेज हो गई है थोड़ी देर के लिए। वैसे तो रूफटॉप टेंट हमने ओपन कर लिया, लेकिन बच्चों की इच्छा है नीचे बैठेंगे थोड़ी देर। उनको हम फोन देंगे दोस्तों, सुबह से दिया नहीं है। और यहाँ पर देखिए पूरा ऑलमोस्ट सेटअप लग चुका है, किचन खुलने की तैयारी है। पहले काटा पीटी करेंगे, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह जो भी सांभर के लिए यूज करनी है। और इधर से बहुत अच्छी वाली खुशबू आ रही है। हाँ पाजी, क्या खा रहे हो? क्या बात है जी, कलाड़ी कुलचा इनके जम्मू का काफी फेमस है और मुझे काफी पसंद है। तो इस बार ट्रिप में दो बार खिला दिया आपने मुझे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और यहाँ पर ये दूसरे देश के निवासी है भाई साहब, जो बिल्कुल अलग हो गए हमको छोड़कर। क्या कूट रहे हो यहाँ पे? मसाला कूट रहे जी। वो तो पहले ही कूट दिया आपने। क्या बात है जी, गर्मा गर्म चाय बन रही है जी इधर। और व्यूज देखिए, थोड़ा सा नहीं पूरा देखिए, ये देखिए दो गाड़ियां इतना दूर है और दो गाड़ी यहाँ पे। रूफटॉप टेंट यहाँ पे खुल चुका है दीपक भाई का, किचन भी ऑलमोस्ट खुल ही चुका है। हाँ चिक्की जी, नाचना गाना हो गया और कच्चा बादाम पे डांस कर रही है हमारी चिक्की जी। तो ये खुल गया जी हमारा किचन, आज पहाड़ों की वादियों में नहीं भाई, आज डीप फॉरेस्ट में खुला है। तो दोस्तों आप लोग बताना कुछ डिफरेंट तरह की जगह पर आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। और ये खुल गया दूसरा, मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारी गाड़ी के अंदर किचन खुल जाता है। ऊपर रूफटॉप टेंट खुल ही चुका है और यहाँ पे हमारी बैठने की व्यवस्था, जहाँ पर हम भी बैठ के सब्जियाँ काटेंगे इडली सांभर के लिए। आज मैं जोड़ लगा लगा के इडली इडली बोलूंगा, इडली की जगह है ना। इडली इडली। चाय, गरम चाय लीजिए। अच्छा इसलिए बुलाया क्या? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, वैसे सच बात बोलो खुशबू वाता करी थी आपके। सही में? हाँ बढ़िया। पीछे का व्यू तो भाई तबीयत सही है। देखो दोस्तों, मतलब सनसेट हो चुका है और ऐसा कोई सा कलर नहीं है जो आसमान में नहीं दिख रहा हो। क्यों चुकी भाई? भगवान भला करेगा कितांशु ब्लॉक का। मैं तो भैया चैनल के नाम से जानता हूँ, देखो सबको, और चैनल के नाम से हमारी पहचान है। बिल्कुल। तो भाई अब सब्जी कटने की तैयारी हो चुकी है, सब्जियाँ वगैरह सब ले आई चिक्की जी। मैं कुछ हेल्प कराऊं? अरे आपका ही तो काम है, इसलिए तो रखी है वहाँ पे। अच्छा मेरे काम है? मतलब आज हमारी क्लास लगने वाली है भैया। और दोस्तों पूरा अंधेरा हो चुका है, पीछे आप देख रहे होंगे। देखिए थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि आज बहुत दूर दूर है सब लोग। तो टाइम से फ्री हो के हम फटाफट टेंट के अंदर घुसेंगे या चिल मारेंगे थोड़ी देर बोनफायर पे। और डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ और इसी में मजा है, क्यों? हाँ। तू एक काम कर, छील छील के मेरे को देती जा, और काटने में अपन माहिर है। रामपुरी चाकू बोलते हैं इसे।
तो दोस्तों यहाँ पर सारी ऑलमोस्ट वेजिटेबल हमारी कट चुकी है और ये चला जी हमारा गैस, कुकर चढ़ चुका है, दाल भीग चुकी है। अब क्या बारी चिक्की जी? बस चढ़ा देते हैं सांभर बनाने के लिए। ठीक है जी, तो डायरेक्ट ये सब्जियां गई इसके अंदर। तो ये खुल गई जी चिक्की जी के मसालों की पिटारी। बहुत ही बेसिक मसाले डालते दोस्तों, सांभर मसाला लाइए चिक्की। हाँ हाँ सब है, सब है चिक्की जी के किचन में, सब है। नमक और हल्दी डाल के चढ़ा देते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो चिक्की जी दाल बने मतलब सांभर बने, जब तक अपन इडली की तैयारी कर ले। हाँ। इस बार जोर लगा लगा के इडली बोलूंगा मैं, इडली नहीं बोलूंगा भाई। अपने सब्सक्राइबर लोग भाई कमेंट बॉक्स में क्लास लगा देते हैं कि क्या इडली इडली बोल रहा है। दोस्तों अभी हम ऐसी जगह पर कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब रोड से काफी नीचे उतर कर है। तीन चार मतलब कोई बाहर के, कोई बॉम्बे के भाई लोग थे, कोई दिल्ली के थे, तो वो मतलब उनको लिटरली ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कर रहे हम लोग। एक तो ऑर्डर देने आ गए, मैगी मैगी मिलेगी क्या? मतलब भैया मैगी कौन बनाता है यार पहाड़ों में आके, हम बनाते अलग चीज है। फिर उनको पता चला रहे यार आप तो कैंपिंग कर रहे हो, सॉरी सॉरी। बोला नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है यार। बोला यार सही चिल कर रहे हो आप लोग। बोला ऐसे ही रहता है भाई हमारा चिल। तो किस किस के घरों में ऐसे दाल निकलती है बाहर? ये सारा पानी तो निकल ही गया चिक्की, क्या मतलब रहा, दबा दो उसको। दोस्तों किस किस के घरों में ऐसे होता है और मम्मी भाग के आती है गोली की स्पीड से एकदम, क्यों? तो चिक्की ये कच्चा तेल क्यों डाल रही है इसमें? ये ट्रिक है, आप अगर आप अरहर की दाल चढ़ाते हैं ना उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ना तो उसका पानी बाहर नहीं आता है। मैं घर पे भी करती हूँ लेकिन अभी भूल गई बात बात में। ठीक है जी, अब देखते आता नहीं आता, नहीं होता है, गैस भी खराब नहीं होती। तो यहाँ पर भाई इंस्टेंट वाला ही यूज करते हैं और इसकी सच में दोस्तों बहुत अच्छी बनती है इडलियाँ, शुरू से लेकर आखिरी तक। मतलब घर पे हम ये यूज नहीं करते, ओनली सफर में यूज करते हैं। तो चिक्की जी इंदौर गई थी तो वैसे, हालांकि अब तो सब जगह मिलने लगे, हमारे अजमेर में भी मिलता है। हाँ। तो चलिए जी हिसाब से बना लेना। और चिक्की एक काम कर, एक्स्ट्रा बना ले, सुबह फ्राइड इडली बनाएंगे इसके नाश्ते में। मेरे पास दो पैकेट। तो चलिए जी, दीपक भाई ने तो जला लिया, अब हम भी बोन फायर जला लेते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह का डर नहीं रहे, थोड़ी सी रिलीफ भी मिलेगा दोस्तों। कचरा अचरा थोड़ा बहुत जो था इसके साथ ही जल जाएगा। जल गयो रे, जल गयो, स्वाहा स्वाहा कर दिया भाई। तो धुआं सारा हमारे इधर आ गया भाई, उधर मैंने बॉनफायर लगा दिया है लेकिन अभी थोड़ा सा धुआं ज्यादा है, कोई बात नहीं, मच्छर अच्छर नहीं आएंगे। क्यों, वैसे मच्छर नहीं है इधर? अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ इतनी सर्दी है, मच्छर क्या होंगे। दाल हो चुकी है बॉयल, अब इसमें डालेंगे इमली। अच्छा इमली का पानी है ना। हाँ। तो ये गया जी इसमें इमली का पल्प, थोड़ा मैश कर लेते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि पानी कम है दाल में ना। हाँ तो पहले इसका पानी डाल दे फिर और पानी डाल देंगे, फिर ज्यादा पानी हो गया तो वो ज्यादा ऐसे हो जाएगा और पानी पानी हो जाएगा फिर सब, पानी पानी हो जाएगा। तो भाई देखो क्या मस्त हो गया बोनफायर, ने अच्छी आग पकड़ ली है भाई, मेहनत रंग लाई है। स्टार्टिंग में क्या मोटी लकड़ी थी ना, एक्चुअली दोस्तों पहले किसी ने किया होगा तो उनकी लकड़ियां बची हुई पड़ी थी, हम तो अलग से ऐसा कुछ लेकर नहीं आए। ये देखिए हमारे बच्चों ने भी बहुत सारी उसमें, और छोटे छोटे बच्चों ने, इतने छोटे छोटे हाथों से मैंने दिखाया ना आपको, ऐसी लकड़ियां इकट्ठी कर ली चुक चुक के। तो चिक्की जी अब क्या देरी, बस तड़का लगाते हैं सांभर का। तो सांभर का तड़का यहाँ पर, ये देखिए जी कढ़ाई लगा दी चिक्की जी ने, अब तेल लगेगा। दीपक भाई बनाए और हम टेस्ट ना करें ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं बनी। नहीं नहीं भाई, प्यार से दो गाशे खिला दो, वो बहुत है, दिख रहा था। हाँ एंड में पूरा सूख के सूख जाता है भाई वो। कल बनाओगे तो फिर बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे, मतलब सही है, कोई कमी नहीं। नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीपक भी बहुत अच्छा है। तड़का बना ले सांभर का। तो ये गया जी तड़का, फटाफट बनाओ चिक्की जी, वेट नहीं हो रहा, लेट हो गया आज हम। कोई नहीं, तो फटाफट मसाले डालते हैं। बच्चे हमारे रूफटॉप टेंट में बैठे हैं आराम से, बोले मम्मा मम्मा भूख लगी, खाना दो। अब बारी है प्याज डालने की। बारी नहीं, प्याज डाल चुके हैं जी। और वही हमेशा का डायलॉग भैया, प्याज वाज डालते है ना मजा आ जाता है भैया सांभर में। सांभर में क्या मतलब जो तड़का लगता है ना दोस्तों। चलिए जी फाइनली हमारा सांभर रेडी है। चिक्की जी फटाफट इडलिया है ना। हाँ बस चढ़ाते हैं, चढ़ा दो नई वाली कढ़ाई में बनाएंगे दोस्तों। हाँ, हम इडलिया आज, ये सांभर गया जी इसमें। तो फाइनली भाई खुशबू हमें खींच लई है इधर और सांभर हमारा रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। देखो एक बार शक्ल दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है यार। तो जी अब हमारा बाहुबली हथियार है इडली बनाने के लिए, इस बार हमने वही आपको बताई थी ना मल्टी वाली कढ़ाई, इसमें हम फर्स्ट टाइम इडली बनाने वाले हैं भाई। और हमारा जो साचा था ना इडली का, उससे ज़्यादा ही बनेगी इसके अंदर, तीन चार इडली। तो सबसे पहला है जी पानी उबालने के लिए लगा दो कढ़ाई के अंदर। अच्छा ब्रश ब्रश सब अच्छा, तो बारबेक्यू के साथ आया था वो वाला ब्रश है ना, मल्टीपर्पज। तो चलिए जी इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और फाइनली इसके अंदर ये गया मोल्ड के अंदर। चिक्की जी नीचे वाले में थोड़ा थोड़ा ही भरना। हाँ हाँ। नहीं तो कटोरिया बन जाएगी दोस्तों। एक हमने इसका रिव्यू वीडियो देखा था भाई, उसमें नीचे में पूरी कटोरी बन गई क्योंकि वो इतनी फूल चुकी थी, इतना गैप नहीं था। नीचे वाले में थोड़ा कम डालना, ऊपर वाले में अच्छे से भर देना, ठीक है? नीचे की कसर ऊपर पूरी हो जाएगी। तो चलिए जी थोड़ी सी देर बाद मिलते हैं इडलियों के साथ में।
ओए होए क्या धुआं आया है यार। सही है भाई। अरे यार मस्त बनी है चिक्की तो, ये देखो हो गई। और क्या सॉफ्ट है ना, एक दे दो तो मेरे को निकाल के, वेट नहीं हो रहा। दोस्तों घर पे भी जैसे बनती है ना, तो ऐसे जो सॉफ्ट सॉफ्ट सीधा उतरती हुई होती है ना, मैं कोरी खा जाता हूँ भाई। मुझे बड़ी टेस्टी लगती है इडली, है ना। आज जोर लगा के बोलना पड़ रहा है इडली, वरना इडली ही बोलता हूँ। सच में मैं इडली बोलता हूँ। मैंने बाद में मेरे वीडियोस देखा और बहुत हंसा मैं। क्या बात है, नीचे वाली भी बन गई। और चिक्की देखो अपने से खराब नहीं हुई है। दोस्तों हमारी तो एकदम परफेक्ट बनी और एक बार में पूरी 14 की 14 इडलियां बन गई भाई। मल्टीपर्पज कढ़ाई, ओके, मेरे जैसे दो जनों के लिए बहुत है, सफिशिएंट है एक बार में, मतलब है ना। और यहाँ पर हम पत्तल धोने का ऑर्गेनिक, मतलब जो हमारा वो है ना मटेरियल, उसका यूज कर रहे हैं। इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, तो खा पी के अगर यहाँ पर रख भी देंगे ना, तो 10-15 दिन में अपने आप ये डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी, सांभर गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। चिक्की जी अब मत तड़पाओ यार, अब लगा दो खाना। चलो चलो चलो, बैठो। ऐसे ही निकल रही है तो ऐसे ही इसको हमें दे दो बस। अब पहली इडली का भोग हम लगा रहे हैं। वो जो फर्स्ट वो आता है ना, सारा दिल में छूता है। जोरदार बनी दोस्तों, जोरदार एकदम एकदम ऑथेंटिक तरीके से हम पत्तल के धोने में, मतलब वो धोने के पत्तल में, अब कुछ भी हो यार समझ जाओ आप लोग। तो दोनों बच्चे हमारे चुन्नू मुन्नू, इनका दोनों का फेवरेट है, मतलब हमारा सभी का फेवरेट है एक्चुअल में इडली सांभर। तो आप सबका भी होगा। हिमाचल की वादियों में गर्मा गर्म घुमक्कड़ बक्स के किचन से सीधा आपके टेबल पर। थैंक यू सो मच। मन्नत खाती है और ले लेना चाहिए तो। नहीं नहीं बस बहुत है, ये भी खा रहे बहुत है। नहीं नहीं बच्चे शौक से खाते हैं। मनसा कैसा बना बताओ तो सही। शिवाय कैसा बना? फर्स्ट क्लास। शिवाय को करना आ गया वे फर्स्ट क्लास। मम्मा और चाहिए? हाँ, और चाहिए मेरे बेटे को। हाँ। दो भाई दो बच्चों को और दो। गर्मा गर्म इडली सीधा बच्चों की प्लेट में। वाह भाई वाह। चिक्की जी मजा आ गया भाई, आनंद आ गया। आज तो कैंपिंग का खा रहे हो क्या? तो दीपक भाई कैसा लगा आपको इडली? अच्छा लगा। तो अब ये सुकून से खुद की गाड़ी पे जाके खाएंगे। वहाँ पे बॉनफायर है। बैठो आराम से लाइए चिक्की जी, फटाफट हमारा भी लगा दीजिए। रेडी है जी। तो दोस्तों आप लोग भी एंजॉय करिए पहाड़ों की वादियों में हिमाचल प्रदेश में। सांभर वैसे मैंने पहले टेस्ट कर लिया था और अच्छा ही है, बढ़िया है। और दोस्तों ये पत्तल बहुत काम में है इस बार हमारे, सीधा खाओ और फेंको। ऑर्गेनिक चीज़ है एकदम, पत्तों से बनी हुई, तो प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होगा इससे, और हमारा भी थोड़ा पानी बच जाएगा और सर्दियों में बर्तन धोने से बच जाएंगे हम। चलिए दोस्तों एकदम से वापस सामने आ गया आपके। सब सेटअप कंप्लीट है हमारा, मतलब बंद कर चुका हूँ। चिक्की को एकदम से नींद आ रही थी यार, वो शिवाय को सुलाने गई थी तो खुद भी सो गई। मैंने बोला मैं कर दूंगा। करते हैं फिर वीडियो की एंडिंग यहीं पर, ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाने लायक बचा नहीं है। पूरा दिन आपसे हमने शेयर करा है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कल का वीडियो ट्रिप का हमारा तो लास्ट वीडियो होने वाला है, और सबसे स्पेशल वीडियो भी, क्योंकि सब भाई लोग मिल गए अब धमाल मचाएंगे। तो बने रहिए सीरीज में, उम्मीद आप वीडियो को वैसा ही उतना ही प्यार देंगे जितना अभी तक दिया है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखना, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।